हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास। आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 14 देखेंगे, जिसके बारे में क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि केमिकल का इफेक्ट कैसे होता है जब हम किसी लिक्विड के अंदर, किसी केमिकल लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जो मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं यहाँ पे, जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, जो पहला टॉपिक है वो है डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि क्या है कि जो लिक्विड होते हैं वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये तो सिंपली बात है, जो हमारा वाटर होता है, नॉर्मल वाटर, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कैसे करता है देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसके अंदर क्या है, लिक्विड। लिक्विड मतलब अभी हम सिर्फ लिक्विड की बात करें तो हम सिर्फ ये वाटर लेते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली हमारे पास वाटर होता है वो वाटर लिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या किया, दो वायर ली। ठीक है, एक वायर ये है, एक वायर ये है। ठीक है, और इन दोनों वायर से हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर दी। अब जब बैटरी कनेक्ट कर दी तो हमें ये भी तो पता चले ना कि करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। हम अगर बैटरी पकड़ के और वाटर के अंदर वायर को डिप कर देंगे, हमें तो पता नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक आउटपुट के लिए हम एक क्या कनेक्ट कर देंगे, बल्ब। ठीक है, एक हम इंडिकेशन के लिए बल्ब कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब जैसे ही इस वायर को हमने इस वाटर के अंदर डिपॉजिट किया तो क्या होगा, जो करंट इंड्यूस होगा यहाँ से, ये करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और इसमें करंट जाके वाटर के अंदर करंट फ्लो होगा और उसके बाद ये वापस इसके थ्रू चला जाएगा। यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो एक क्लोज्ड पाथ कंप्लीट कर लेगा, और जैसे ही ये क्लोज्ड पाथ कंप्लीट हो जाएगा, ये बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। ठीक है, तो इस एक मतलब कि प्रैक्टिकल के थ्रू हम ये जान पाए कि जो वाटर है हमारा वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है या नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली वाटर क्या होता है, वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो हमारे पास वाटर अवेलेबल होता है वो हमारा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमने तो ये नॉर्मली भी देखा होगा कि वाटर के अंदर से करंट इजीली पास हो जाता है। तो इस कंटेनर के थ्रू हमने यही आइडेंटिफाई किया कि हाउ द इलेक्ट्रिसिटी पास इन द वाटर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो सेकेंड टॉपिक है हमारा, वो है कंपास। कंपास इंस्ट्रूमेंट क्या है, कंपास क्या चीज होती है। देखो, कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि अगर वो कब डिफरेंट, उसकी जो निडल होती है उसमें भी मैग्नेट लगा होता है। जैसे टाइप में बताता हूँ कि जैसे ही आपका कंपास है, कंपास के अंदर ये कुछ इस टाइप की निडल होती है। ठीक है, और इस तरफ इसका मैग्नेट बना होता है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही इस कंपास के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी, कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसको हमने बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो ये जिसकी जो निडल होगी ये इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। यानी कंपास मीटर क्या करता है कि अगर इसके आसपास कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक लाइंस है तो ये उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका जो कंपास इंस्ट्रूमेंट है, हमें पता लगे कंपास इंस्ट्रूमेंट इसलिए यूज होता है कि कहीं भी ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसके प्लेसेस में, उसके आसपास नियर बाय कहीं मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। ठीक है, तो वो हम मेजर करते हैं कंपास के। ठीक है, आइए एक और एक प्रैक्टिकल समझते हैं। जैसे कि क्या होगा, अगर मैंने एक ये मैंने ले लिया कंपास मीटर, ये मेरे पास है कंपास मीटर। ठीक है, और इसको मैंने यहां से एक लपेट सा दिया गया, इसके ऊपर से लपेट दिया गया। ठीक है, कंपास के ऊपर ऐसे ऐसे करके
जैसे ये डस्टर है, इसके ऊपर ऐसे लपेट दिया गया है, तो इसके ऊपर ऐसे लपेट दिया गया है, और यहाँ पे आने के बाद इसमें बैटरी कनेक्ट कर देंगे, और हम एक आउटपुट के लिए ले लेते हैं बल्ब। ठीक है, ये आपको पॉजिटिव प्लेट होता है, नेगेटिव साइन होता है। तो हमने ये वोल्टेज सोर्स लगाया, ठीक है, जैसे ही ये वोल्टेज सोर्स का करंट यहाँ जाएगा तो ये कंपास का नीडल क्या होगा, डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। क्यों डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो वायर हमने लपेटी है इसके अंदर से क्या फ्लो होने लग जाएगा, करंट। ठीक है, तो जैसे ही करंट फ्लो होगा किसी वायर में से तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना, जैसे ही कोई वायर है आपकी, कंसेप्ट करो ये एक वायर है आपकी, इस वायर के अंदर से आपका क्या फ्लो हो रहा है, करंट। आई क्या है, करंट है, करंट फ्लो। तो इसके जो आसपास है, इसके जो आसपास है यहाँ पे, है ना, इस तरफ क्या है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। ठीक है, उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये मतलब एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, कि एक्चुअली में जो करंट के अंदर, करंट जब फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर तो उसके आउटर साइड में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से हमें ये पता लग जाएगा कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो उसके साइड बाय या उसके नियर बाय क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंपास इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं केमिकल इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो केमिकल का इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट पास, हमें एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने वाटर डाला। अब मैंने क्या किया, इसमें अब तो वाटर है, ये तो सिंपली कंडक्ट कर जाएगा, लेकिन अगर मैंने इसमें कुछ केमिकल मिक्स कर दिए, मीन्स मैंने क्या कर दिया इसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब मैंने क्या कर दिया इसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसमें मिक्स कर दिया, ठीक है, वाटर के अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डाले, इलेक्ट्रोड मतलब दो टर्मिनल डाले, ठीक है, ये कुछ इस तरह है, और इसको मैंने यहां से एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड वोल्टेज सोर्स। अब क्या होगा इसमें, जैसे ही ये इलेक्ट्रोड करंट की कंडीशन में आएंगे तो इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट मिक्स है, यानी CuSO4 जो मिक्स है आपको, ठीक है, वो क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होना इसमें स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, जो ये कॉपर है, ये कॉपर चला जाएगा नेगेटिव की तरफ, और ये सल्फेट है ये चला जाएगा पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होगा, जो कॉपर होगा आपका वो नेगेटिव प्लेट, ये जैसे नेगेटिव है ना, ये आपकी नेगेटिव प्लेट है, आप इसको मान के चलो दिस इज योर नेगेटिव प्लेट, या तो इसको प्लेट बोल सकते हैं, नेगेटिव टर्मिनल बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, तो क्या होगा, जो कॉपर है वो नेगेटिव प्लेट पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे करंट फ्लो होता जाएगा हम ये कॉपर जो है ये इस पे चिपकता चला जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू देखो हम क्या कर रहे हैं, किसी केमिकल में से हम कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं उसको। ठीक है, या हम कह सकते हैं उसके अंदर से हमें जो मटेरियल चाहिए उसको हम अलग कर रहे हैं। तो कॉपर को हमने अलग कर लिया, ठीक है, कॉपर हमें मिल जाएगा प्योर। ठीक है, इसको हम रिफाइनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, रिफाइनिंग का जब हम किसी और में से जब हम मिनरल्स निकालते हैं तो उसमें से जब हम कॉपर निकालते हैं तो उसको ऐसे ही रिफाइनिंग करके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करके हम उसको निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हमने किया केमिकल इफेक्ट का, कि क्या होता है केमिकल इफेक्ट करने से, कि हम किसी भी एलिमेंट्स को हम इसके थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू हम उसको रिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि उसको निकाल सकते हैं। और एक एग्जाम्पल और है कि अगर हमने वाटर के अंदर साल्ट मिक्स कर दिया तो करंट तो फ्लो होगा इजिली, लेकिन जो आपका सोडियम है
है ना, और Na है और Cl है ना, क्योंकि सोडियम क्लोराइड मिल गई तो आपका साल्ट बनता है। लेकिन जैसे ही आपका सोडियम क्लोराइड है, सोडियम चला जाएगा आपका नेगेटिव प्लेट की तरफ और क्लोरीन जो है वो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। इससे क्या होगा कि जो आपका सोडियम है वो आपको मिल जाएगा, यानी जो नमक के फॉर्म में वो आपको मिल जाएगा, और क्लोरीन जो होता है वो आपका बबल के फॉर्म में गायब हो जाता है, ठीक है, बबल के फॉर्म में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट होता है हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है कि जब हम ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोसेस है ना, जैसे कि हम किसी मटेरियल पे कोई दूसरा मटेरियल चढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आपने साइकिल देखा होगा, साइकिल के जो हैंडल्स होते हैं वो सिल्वर कलर से पेंट होते हैं, हम ये कहते हैं कि पेंट होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, हम मटेरियल के ऊपर मटेरियल चढ़ा रहे हैं, है ना, मटेरियल के ऊपर एक मटेरियल की कोटिंग कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू होता है, वो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल पे हम उसकी लेयर को चढ़ा रहे हैं, ठीक है, होता है इलेक्ट्रोलाइटिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। यानी कोई एक मटेरियल ये है, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया आयरन, ठीक है, ये कोई आयरन का मटेरियल है। अब इसके ऊपर मुझे सिल्वर की प्लेटिंग करनी है, सिल्वर कोटिंग करनी है उसको। अगर मैंने इस पे सिल्वर की कोटिंग कर दी ऊपर, दिस इज सिल्वर, ठीक है, आयरन के ऊपर कौन सी कोटिंग कर दी, सिल्वर की कोटिंग कर दी, तो ये किस प्रोसेस से होगा, ये होगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। यानी किसी मटेरियल के ऊपर कोई अलग मटेरियल चढ़ा दिया, किसके थ्रू से, इलेक्ट्रिक प्रोसेस के थ्रू से, तो हमने उससे कह दिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट से इस चैप्टर के, ये कंप्लीट करने के बाद जो हमारा ये चैप्टर होता है, ये लेसन नंबर 14, वो कंप्लीट होता है।